तो स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जो COVID-19 अनुग्रह राशि है वो किसको प्राप्त हुई और किसको नहीं। आपके जो ग्रामीण या शहरी इलाके में जितने भी हैं पात्र लोग, उनको COVID-19 अनुग्रह जो 2500 राशि राजस्थान सरकार द्वारा जारी हुई है वो आपको मिली है या नहीं मिली। तो इसके लिए आप संपर्क करना है सीधा जन सूचना पोर्टल पर। जन सूचना पोर्टल पे जैसे जाएंगे आपको लिखना है जन सूचना, SS सूचना, सॉरी जन सूचना हो गया। जैसे आप करेंगे तो आपको जन सूचना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे देखिए जन सूचना सबसे ऊपर टॉप में, वहीं आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसकी जो वेबसाइट है वो खुल के आ जाएगी। ये वेबसाइट बहुत ही शानदार है। इस पे हर तरह की जो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी स्कीम चलती है उन सभी स्कीमों के बारे में आपको एक ही जगह पर हर जानकारी है वो मिल जाएगी। और इसीलिए इस एक तरह से जो सूचना का अधिकार है उसकी पालना के तहत ये वेबसाइट है वो बनाई गई है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला नज़र आ रहा, देखिए COVID-19, ये COVID-19 वाला जो है फर्स्ट, यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं देखिए आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे। एक तो COVID-19 अनुग्रह राशि भुगतान जो 2500 रुपये मिले हैं किस किस को मिला है, और दूसरा है COVID-19 अनुग्रह राशि पात्रता और भुगतान के आदेश जो जारी हुए वो। तो यहाँ पे अपन पहले वाले पर जाते हैं कि 2500 राशि का भुगतान है वो किसी किसे हो चुका है। तो चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये जैसे मैंने क्लिक किया है पहले पे, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा एक तो जिला, आप जिस जिले से संबंधित आप देखना चाहते हैं कि कौन से जिले में कितने जनों को मिला है उस जिले का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप जिले पे क्लिक करेंगे आपको सभी राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी नज़र आ जाएंगे लिस्ट। आपको जो भी जिला की देखना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल सा अजमेर जिले की पहले पहले आपको बता देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अजमेर जिला अपन ने सेलेक्ट कर दिया। और शहरी और ग्रामीण आपके जो भी जिला है उसमें से आप ग्रामीण इलाके में देखना चाहते हो तो ग्रामीण का कर दो, और शहर का करना हो तो शहर का कर दो। अब जो भी देखना चाहते हो तो जैसे यहाँ शहरी में रहने देता हूँ। फिर नगर पालिका लिखा हुआ है तो नगर पालिका का चयन करना है। जैसे अजमेर है तो अजमेर को ही अपन पहला पहला कर देते हैं। आपके जो भी है नगर पालिका वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अजमेर जैसे है उसके अंदर देखिए नगर पालिका इतनी है, अजमेर, ब्यावर, केकरी, किशनगढ़, नसीराबाद वगैरह, ठीक है। तो मैं अजमेर को ही क्लिक करता हूँ। अजमेर को जैसे ही क्लिक किया अब नीचे आप कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा के अंदर देखिए XFKY और C लिखा हुआ है तो इसको मैं फिल कर देता हूँ। कैपिटल X है, फिर स्मॉल F है, कैपिटल K और YC, कैपिटल Y और C। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। ये खोजे जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ से आप क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्रम संख्या, फिर जिला, शहर, वार्ड का नाम और लाभान्वित का विवरण। अब देखिए अजमेर शहर सिटी अजमेर वार्ड नंबर 1 है, उसके अंदर लाभान्वित टोटल 639 लोगों को ये 2500 रुपये मिल चुके हैं। फिर वार्ड नंबर 10, 11, 12 जिस भी वार्ड संबंधित आप देखना चाहते हैं उस वार्ड के आप देख सकते हैं, और उनमें किन किन लोगों को ये 2500 रुपये मिले हैं उस सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखिए मैं सबसे पहला पहला जो है वार्ड नंबर 1 उसी की अपन देख लेते हैं। आप जो भी देखना चाहे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अधिक जानकारी देखिए बता देता हूँ आपको। ये अधिक जानकारी जो लिखा हुआ है उस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया ये इसकी लिस्ट है वो खुल के आ जाएगी। देखिए ये पूरी लिस्ट आ गई। क्रम संख्या, परिवार का मुखिया, पिता का नाम, पत्नी और धनराशि कितना मिला वो। तो यहाँ पे देखिए पहली पहली क्रम संख्या पे लिखा हुआ अंजू देवी, मंगला राम, सीताराम, इसको 2500 रुपये मिले। फिर आशा चंद, राकेश कुमार, इसको भी 2500 रुपये मिले। इस ढंग से पूरी लिस्ट है वो निकल के आ गई है कि इनको 2500 रुपये का लाभ है वो मिल चुका है। COVID-19 अनुग्रह राशि के तहत इनको 2500 रुपये का
फ़ायदा हो गया है। इसी प्रकार आप अपने संबंधित किसी भी गांव, पंचायत या शहर, नगर पालिका, नगर परिषद जो भी है आपकी, उसकी जानकारी इजीली ले सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। थैंक यू।